अच्छा बलाना, ये मुझे बताइएगा कि बहुत सारी आपकी वीडियोस वायरल हुई ऐसी कि जो लोगों के लिए मशाले राज साबित हुई, और कुछ बड़ी सख्त बातें भी थी और हैं, और कुछ ऐसी मौजूआत हैं कि जो आवाम की जबान है लेकिन वो उल्मा की जबान से, यानी आप लोगों की जबान से लोगों ने सुनी तो उन्होंने पसंद भी किया, और हो सकता है कि आम आदमी ये जसारत ना कर सके जो आप आलिम दीन कर सकते हैं। तो वो जो आपकी जो कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जो जरा सख्त हैं, जिसमें सख्त जबान इस्तेमाल की गई है और आपने समझाने के लिए उसमें बड़ी तफसील से बात की है, तो उस तरफ कुछ बिजी टीवी आज हमारा आपके साथ पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला 3 दिन और जारी रहेगा, यानी कल और परसों 21 रमजान तक हम आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। तो इस तरफ थोड़ी तवज्जो दीजिए और इस तरफ रोशनी डालिए कि वो जो थोड़ी सी सख्त जबान कहीं कहीं आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्या मंतिक है, क्या फलसफा है। देखिए, अव्वल तो सख्त जबान कहीं भी इस्तेमाल नहीं की, जो जिसका अहल है उसके लिए वही इस्तेमाल किया है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अगर फजाइल बयान किए हैं अम्बिया के तो वहां पर नरम इस्तेमाल की है जबान, और कहीं अगर अम्बिया के दुश्मनों को मुखातब किया है तो सख्त जबान इस्तेमाल की है। बल्कि यहाँ पे कहना पड़ेगा कि जो जिसका हकदार है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा था और हो रहा है, और ये बहुत गलत हो रहा है कि हम ये देखते हैं कि जो आदमी हमारी तरफ है वो अगर कुछ कह रहा है तो उसको नज़रअंदाज कर दें, और अगर वो किसी और तरफ का है तो उस बात को उजागर करें। तो इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं वो काफ़ी जानिब से चल रहे हैं। हमारे यहाँ दो किस्म की शिद्दतें बड़े उरूज पर हैं, तो इसको हमने हमेशा कंडेम किया कि शिद्दतें उरूज पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि तालीमात कुरान और अहले बैत उरूज पर होना चाहिए। जो हमें तालीमात हैं कुरान की और अहले बैत की, उन पर चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गलत बात को छुपाया जाए क्योंकि वो हमारे उससे ताल्लुकात हैं। गलत गलत है, उसको हमें उजागर करना चाहिए, लेकिन हाँ, ज़ाहिर गाली गलोच ना हो, शोर शराबा ना हो, लेकिन उजागर करना चाहिए, क्योंकि उलमा का काम है लोगों को हिदायत देना, ये गुरबंदियाँ करना नहीं है। अलबत्ता इस वक्त अगर आप देखें मोमिन में दो शिद्दतें हैं, एक शिद्दत यह है कि मिसाल के तौर पर अब दें तो अब ये ज़ाहिर लोगों को बुरा लग जाता है, तो अगर जहाँ हमारी सख्ती वहाँ पर थी बाज़ और गलत कामों के लिए, तो उसके माना ये नहीं है कि जब कोई जाहिल आदमी या कम इल्म आदमी या कोई जाकिर गलती करे तो उसको तो हम पॉइंट आउट करें, लेकिन अगर कोई मशहूर आदमी हो, आलिम हो, तो उसको फिर हम जो है कहें कि नहीं नहीं कोई वजह होगी। वजह कुछ नहीं है, जो गलत है उसको हमें गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको हमें सही कहना चाहिए, क्योंकि असल चीज़ हमारी दोस्तियाँ नहीं है, असल चीज़ हम या हमारी कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है इस दीन का दिफा करना चाहिए, मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम का दिफा करना चाहिए, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये वो चीज़ है जिसके लिए आइम्मा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कुर्बान किया। तो बाज़ दफ़ा होता यह है कि जब किसी ऐसी हरकत पर कि जो फ़र्ज़ करें कुछ ख़ास ग्रुप की जानिब से हों, उस पर जब एतराज़ करते हैं तो समझते हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, जब दूसरे ग्रुप पर एतराज़ करते हैं वो समझते हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त दो शिद्दतें चल रही हैं, एक अपने आप को शो करते हैं बहुत ज़्यादा आज़ादार हैं, दूसरा शो करता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो इनकलाबी हैं। तो हकीकत यह है कि हमको बेहतरीन आज़ादार भी होना चाहिए, बेहतरीन नमाजी भी होना चाहिए, और सियासी एतबार से इनकलाबी भी होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ के अपने हद व हदूद हैं। हद व हदूद जो है वो हर चीज़ की है, हत्ता नमाज की भी है। नमाज भी अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए, मिसाल के तौर पर एक आदमी नौकरी छोड़ दे नमाजें पढ़ने लगे, नमाज भी काबिल मज़म्मत होगी। एक बच्चा जो है पढ़ाई छोड़ के नमाजें पढ़ने लगे तो ये नमाज काबिल मज़म्मत होगी उसके लिए बिल्कुल। एक बच्चा जो है माँ बाप की बात ना माने, माँ बाप कह रहे हों कि फ़र्ज़ करो ज़्यादा नमाजें ना पढ़ो, मुस्तहब नमाजें ना पढ़ो, तो बच्चे के लिए फिर जायज़ नहीं है मुस्तहब नमाजें पढ़ना, तो कहा जाएगा ये नमाज जो है वो गुमराह कर रही है। अगर बच्चे माँ बाप तड़प रहे हों या कोई ज़रूरतमंद हो और हम नमाजें पढ़ रहे हों तो कहा जाएगा ये नमाज को मिसयूज़ कर रहा है। या हमारे ऑफिसों में जिस तरह से माह रमज़ान में, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑफिसों में हमारे यहाँ जिस तरह से नमाज मिसयूज़ होती है काम चोरी के लिए, बिल्कुल हराम है। लोग घर में नमाज पढ़ते हैं, फौरन वजू करते हैं, फौरन नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ऑफिसों में जो है वो नमाज से एक घंटा पहले वजू करके चप्पलें पहन के टहलना शुरू करते हैं, सारे काम को ख़त्म कर देते हैं, जो लोग बाहर खड़े हैं उनका काम मुअत्तल हो जाता है। या मिसाल के तौर पर पब्लिक रिलेशन वाले लोग जो हैं वो काम में सुस्ती कर देते हैं, या ये कि खिड़की बंद कर देते हैं नमाज के लिए,
तो ये काम बिल्कुल हराम है। यहाँ पे उस नमाज की मजम्मत करनी होगी। अब अगर इस नमाज की मजम्मत हो तो इसके माने ये नहीं है हम नमाज के खिलाफ हो गए, बल्कि हमें पता चलना चाहिए कि तालीमात कुरान व अहले बैत अलैहिम सलाम के मुताबिक किस काम को किस जगह अंजाम देना है। तो आज़ादारी बेहतरीन चीज़ है, ज़ाहिर हद व हुदूद है, नमाज की हद व हुदूद है, रोज़े की हद व हुदूद है, हज की हद व हुदूद है, हर चीज़ की हद व हुदूद है। इस हद व हुदूद से पार करना जो है वो काम को ख़राब कर देता है। तो अब जब तवज्जो दिलाई जाती है तो उसमें ज़ाहिर है कि जिसके जहाँ से फ़वाद होते हैं, जिसका जहाँ से टकराव होता है, बुरा लग रहा होता है उसको, तो वो ख़िलाफ़ हो जाता है, जबकि ख़िलाफ़ होने वाली कोई बात नहीं है। और इस चीज़ को हमने बयान किया कि अगर कोई कम इल्म जाकिर कोई गलती कर दे उसे तो हम पॉइंट आउट करें, और वो कम इल्म जाकिर जो है वो काबिल मजम्मत है, लेकिन उससे ज्यादा काबिल मजम्मत वो है कि जो इल्म में ज्यादा हो और बार बार गलती करे। और इसमें हम कोई किसी कस्म का आर नहीं समझते इस बात को कहने में कि याद रखें कि अगर कोई शराब की दुकान चला रहा है, अब ये बात और सख्त है, जब बात हो रही है तो और सुने, कोई शराब की दुकान चला रहा है कतन हराम है, बहुत काबिल मजम्मत है, लेकिन उससे ज्यादा काबिल मजम्मत यह है जो दीन के नाम पे गुमराही फैलाए। बहुत साफ बात है जी, बिल्कुल। शराब की दुकान वाला शराब पिला रहा है, शराबी जो है उसकी फिर हिदायत हो जाएगी, लेकिन अगर कोई गुमराही फैला रहा है, खुसूसन गुमराही कि जो अहले बैत के फजाइल को छुपाने में हो रही हो या दुश्मनान अहले बैत की खबासत को छुपाने के लिए हो रही हो। देखें, दुश्मनान अहले बैत की मजम्मत हर जगह कि जब जान का खतरा हो या फितने का हो, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि इंडिया में गाय का ज़बह करना। अगर मराजे फरमाते हैं कि इंडिया में गाय को ज़बह ना किया जाए, तो वहाँ मुराद यह है तुम गाय को ज़बह करोगे या गाय को एक हाथ मारोगे या गाय को एक डंडी से या लकड़ी से मारोगे, तो ये तौहीन कंसीडर की जाएगी। और इस गाय की तौहीन के बाद, मिसाल के तौर पर, या गाय को ज़बह करने के बाद बहुत सारे मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम वजूद में आएंगे, तुम उनके प्रॉब्लम को क्रिएटर माने जाओगे और तुम उस प्रॉब्लम के बानी होगे, तुम्हारी वजह से लोग मारे जाएंगे, लिहाजा गाय को ना मारो। अब अगर मराजे का ये फतवा है खुद के इंडिया में गाय का ज़बह करना अगर जान जाने का सबब बनता हो तो हराम है, और ये अकली सा हुक्म है। लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि अब हम इत्तेहाद के लिए गाय का पेशाब पीना शुरू कर दें, हम इत्तेहाद के लिए गाय को सजदा शुरू कर दें। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि अब हम घर में बैठ के भी उस गाय की और गाय के पेशाब की मजम्मत ना करें। बस महाराज जी अगर फरमाते हैं कि किसी भी दीन के मुकद्दसात की तौहीन ना करो, तो उसके माना ये है कि गंदी जबान इस्तेमाल ना करो, लेकिन हकायक से आशना करना होगा हमें, खुसूसन अपने बच्चों को, अपने जवानों को।